मित्रों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से आठवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार हुई है और शिवलिंग वहां पर कैसे स्थापन हुआ है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वहाँ पर बहुत ऐसे पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत जैसे कि प्रसिद्ध है, उस पर्वत का क्या वैशिष्ट्य है और आखिर इतना बड़ा पर्वत क्यों है वहाँ पर, ऐसी क्या वजह है, आज इस वीडियो में सब कुछ हम देखने वाले हैं। किस प्रकार भगवान शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पर स्थापित हो गए हैं। चलो दोस्तों, अगर ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि हुआ करते थे। उनकी परम धार्मिक पत्नी अहिल्या नामक पत्नी हुआ करती थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था। किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक हरा पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता है। उस समय वे मिनीगण मनुष्य पशु पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए थे। तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे थे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। वरुण देव गौतम ऋषि को प्रसन्न हो गए और बोलने लगे, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की, यानी कि बारिश के लिए प्रार्थना की। तब वरुण देवता उनसे बोले, मैं दैव की आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार वृष्टि कर सकता हूँ, आप तो बुद्धिमान हैं और अन्य कोई प्रार्थना कीजिए, मैं आपको कोई और वर दे सकता हूँ। पर महर्षि गौतम ऋषि ने यह वाक्य बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सिर्फ यही वर चाहिए, मुझे अक्षय दिव्य और नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। उन गौतम के इस प्रार्थना करने पर वरुण देवता ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा और तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी और मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा, यहाँ जल आपके लिए अक्षय और तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इस स्थान पर दान होम तप देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन और पितरों के लिए किया गया श्राद्ध यह सब अक्षय होगा। ऐसा कहने पर उन महर्षि स्तुत होकर वरुण देवता अंतर्धान हो गए और महर्षि गौतम ने उनको दूसरों का उपकार सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य को गौरव हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप देख पाते हैं, ऐसा बड़ों लोगों ने कहा है। इस प्रकार गौतम ऋषि अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त करके विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। उसके बाद सभी मुनीश्वर ने वहाँ पर हवन के लिए व्रीही यव निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को खेती की। इस प्रकार विविध धान्य अनेक प्रकार के वृक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प और फल आदि वहाँ पर उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहाँ अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी और बहुत से जीव भी वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया था। इस प्रकार महर्षि गौतम ऋषि की प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया था। सब देवता और ऋषि भगवान गौतम ऋषि पर जला हुआ करते थे। गौतम ऋषि ने इतना बड़ा कार्य किया था, इसकी वजह से उनका थोड़ा सा रोष हुआ करते थे सभी ऋषि। तब कथा ऐसी हो गई थी,
तब सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। सभी देवता और ऋषि ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित्य के लिए देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके भगवान महादेव की पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी और माता पार्वती यहाँ पर प्रकट हुए थे। भगवान शिवजी के साथ देवी गंगा भी वहाँ पर प्रकट हुई और शिवजी ने गंगा जी को आदेश दिया कि जहाँ पर पानी की कमी है, गौतम ऋषि जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पर आप प्रकट हो जाइए। ऐसा भगवान शिव जी ने देवी गंगा से कहा। तब देवी गंगा शिव जी से बोलने लगी, इस स्थान पर ज्योति के रूप में अगर आप रहेंगे तभी मैं वहाँ रह सकती हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश लिंग रूप में वास करने को तैयार हो गए और अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यह उगम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित है जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सभी देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ और विविध क्षेत्र सभी ने वहाँ जाकर गौतम ऋषि और सभी अन्य देवता वहाँ जाकर उनका आदरपूर्वक पूजन करने लगे थे। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न ही गंगा जी और शिव जी ने कहा, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों के हित के लिए हम दोनों आपको अपनी इच्छा से आपको वर प्रदान करेंगे यदि आप प्रसन्न हैं। सभी देवता बोले, और आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हो तो हम लोगों के लिए, मनुष्य के हित के लिए आप वहाँ पर हमेशा के लिए, सदा के लिए वहाँ पर निवास करिए। अनुग्रह करने पर हम लोगों का हित करने के लिए आपको और शंकर जी को भी यही रहना चाहिए। इसके पश्चात सूत जी वहाँ पर आकर वहाँ पर ऋषियों से बोले। इस प्रकार गौतम ऋषि और अन्य देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शंकर जी प्रेमपूर्वक वही स्थित हो गए और उनके साथ देवी गंगा माता वहाँ पर स्थित हो गई। वहाँ पर वे गंगा जी और गौतमी नाम से प्रसिद्ध हो गई और शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विख्यात, विश्व में विख्यात हो गया जो महापातक का नाश करने वाला है। इसके पश्चात यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन, पूजन और प्रणाम स्तवन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इसी प्रकार आज की ये कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे Facebook पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।